तो डांस मूव लग रहा है। एक बात बोलूं तेरे को, एक्चुअल में इसमें गड़बड़ हो गई क्या पता है। इंटर्न एट एफएसएम आईआईटी दिल्ली, वर्क विद ऋषभ सर। ऋषभ सर फेमसली नोन एज ऑटोमेशन स्पैरो। थैंक यू फॉर सेइंग इवन फेमस, बट रियलिटी ये है अभी हम दोनों सीखे हैं यहाँ पे बैठे नहीं, बट फिर भी आपको मेरे से ज़्यादा आता है। दैट मीन्स ट्रू टाइम फैक्ट। और अभी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं एक इंस्पेक्शन सेल की, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट डॉक्यूमेंटेशन उसकी कम्प्लीट है। सो लेट अस सी कब कम्प्लीट होती है। तेरे पे मूवी बना सकते हैं, ए वन लाइफ एट आईआईटी बिगिनिंग, दुख आता है सीन बनाते हैं। वो तो बना ही लेते हैं। इसकी स्टेबलाइजेशन अच्छी है आईफोन की।
वन प्लस भी यूज़ किए फिर लगता है भाई कुछ पैसे 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा दे ना इसकी स्टेबलाइजेशन ही है बस इसमें। कहाँ जा रहे हम? दिल्ली सोना। ठीक है। स्टाफ कैंटीन गए थे हाँ, लेकिन इतनी भीड़ और गर्मी देख के अंदर ना टाइम चेंज कर लेंगे, 15 मिनट हम चल लेंगे लेकिन वहाँ नहीं बैठेंगे। हम चल के जा रहे हैं, अब देख लेते हैं ये भी कैसा रहता है। अच्छा लगा तो फिर यहीं आएंगे। ये तो है यार, ये आई टी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया। हाँ, और वो क्या है, वो भारतीय स्कूल लिखा है, आईआईटी होता है कि यहाँ पे खेलते कूदते रहे भाई। तो ब्लॉग बन रहा है यार, ब्लॉग बना रहा है वो भाई के बड़े ब्लॉग यूट्यूब पे अपलोड होने वाली है। सभी की बाइक आ रही है, क्या कहते हैं, पिकअप का बात, उसके बाद परमानेंट जॉब होता है। लेकिन कितने महीने करने चाहिए थी? अरे पहले एक डिपॉजिट लेते हैं। हाँ, डिपॉजिट पहले 200। अरे तो मैं ही ना आया हूँ साइकिल, ये मेरे खराब पड़े आईआईटी। मंडी कौन सी है, कहाँ पे? हिमाचल में आईआईटी जम्मू, और वो मेरे कॉलेज के बिल्कुल साथ ही है। मतलब कोई हार्डली 15 किलोमीटर का फर्क होगा। उनके भी स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में आते हैं, उनकी लैब्स भी बन गए ना NIT श्रीनगर में। कभी हमें कहा जाता है तेरे को प्रॉब्लम भी मिल जाएगी, आइडिया भी मिल जाएगा। कब कर रहा है फिर? आज क्या कर रहा है यार, होगा आप साथ रहना। अरे बिल्कुल ऐसे ही। जब ये यहाँ रख देगा ना, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद वो ऑर्डर, उसके बाद वहाँ से कुछ निकलेगा, मीटिंग वहाँ से कुछ निकलेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा निकलते हुए। अच्छा, जब तक मैं उतने में दूसरा कोड सेट करूँगा। अपने काम में निकल सब्जी काट रहे थे और ये निकल।
और हम देख सकते हैं यहाँ पे ऋषभ जी द एक्सपर्ट वर्किंग ऑन द महंगा रोबोट मारुति वारुति ऐसी कंपनी में घुस जाता अप्रेंटिस में तो कुछ चार दिन में छोड़ के आया, चार दिन भी कर लेता वो भी बड़ी बात है। अब दिखाऊंगा किस एरिया में कर रहे थे। Suppose short circuiting is happening, your wire is in droplet form, it is deposited on the surface, and when you are retracting it, the wire, the droplet will detach. So in MIG, droplet will not detach. Continuous transfer of material will take place, but in CMT, what will happen? One drop will deposit, wire will retract,
another droplet will deposit and wire again. This motion will continue. Okay. So these are the two basic differences. Apart from, you can say ki since the energy levels are low, you are not getting the spatter. So generally, CMT is called spatter-free process. It has high bridgeability, gap bridging capability. Like if you have two plates which are a distance of 3 mm, and you are just continuously deposit here, this 3 mm gap, if you can, will be able to fill by using this MIG welding or a CMT, by using CMT, those two plates will be very smoothly welded. So that is why they are calling it as a gap bridgeable process, high gap bridging capability of the CMT process. So this is all about CMT. Now I am not just doing CMT to do welding. I am not just using CMT to do welding. I am using it to do additive manufacturing. So now who is going to tell me what is additive manufacturing? तो इसी को हटा के एग्जैक्टली अगर आप इस प्लेट को लगा देते हो तो अगर उन्होंने की थिकनेस सही होता है।
कल जो लैब होगा उस लैब में हम जो दूसरा प्लेट है उसके ऊपर फिर हाई बीम बना के और वो सेम पॉसिबल है मेंटेन करके रखा हुआ ना कितने का 48 घंटे का है कुछ दिनों का है स्टैंडर्ड टाइम इसमें शिपिंग टाइम दे दो ना इधर साइज भी तो बढ़ा सकते हैं हाँ वो तो कर लेंगे हम बस क्वालिटी देख रहे हैं उससे मुझे वैसे कर ही नहीं आया मैंने बोले कि आप कह रहे हो तो आता है मेरे को जाना जाता है मेरे दिवार आई थी गिविंग कंप्लीट एड्रेसेस उसमें होता है ना आई आई कॉलिंग रूम लास्ट जीरो ये एंटिटी कहाँ कहाँ मैं आप या ये सिलेंडर हाँ रिमोट में हमें क्या करना है लेकिन डाल के बोल देंगे पता नहीं वायर लगाने की जरूरत As you can see, the tech is smart, but... What do you mean by this? Why did you mention that very specifically? question answer nahi kar paya, single sentence. I can give you 110 cases where you can use AR with other lens. Go ahead, please. Go ahead. I don't want to. As you can see, the tech is smart. No, you can't. Yeah, dekho. क्या देख रहे हो व्हाट इज वीडियो दिस इज वीडियो ये इज नॉट लाइव पूरा प्रॉपर आ रहा है अच्छा पूरा प्रॉपर आ रहा है ओके आई थॉट ये देखो एक्टिंग कर रहे हैं चल रहे हैं ये नहीं हो रहा है उनके उनके आंखों में वो नहीं अरे वो वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने शट डॉट मेरे को तो चश्मे की भी जरूरत नहीं है इट्स पूरा अरे देख रहा था एक वो सॉल सिस्टम्स वाला उन्होंने एक वो बना रखा है वर्चुअल रियलिटी में जितने भी प्रोजेक्ट इनोवेशन लैब है उसमें जितने भी प्रोजेक्ट हुए हैं ना वो सारे उन्होंने एक एक्सपो के अंदर अलग अलग काउंटर रियल चीजें तुम खा ही नहीं सकते ठीक है राइट नाउ वी आर इन द अभी रेडी
So we are here in the robotic welding cell, and lately what we have done is routing off the power cables, and with a distance we have kept the communication cables. We have given that a separate channel and then brought it together to the control panel here, and we have two Ethernet switchboards, right? So basically the error right now we are receiving here is that there is some kind of communication gap happening between either this material handling robot controller with the PLC, or the robot controller, the welding robot controller with the PLC, or welding robot controller with the MIG welding power source. This communication is happening sometimes, and sometimes it's breaking. So this is a problem right now we are facing. Since this is the additive manufacturing lab, so you must be knowing what is additive manufacturing. Classes are going on for additive manufacturing. Like CAD models, we are building layer by layer deposition of like metal or materials and building on 3D. So layer by layer deposition is called additive manufacturing. Generally, this method conventionally were used to do prototyping. That is why it is also called rapid prototyping. Okay. So same thing we are also trying to do with this. So basically, when you were doing welding, whoever was doing welding, they didn't know that it is a additive manufacturing. Only thing is, when you are doing welding, you are just depositing single layer. So if I deposit multiple layers, one layer over the other, so it is your additive manufacturing. So then next question comes, why I am using arc welding? So if you go to the market and you purchase a metal printer, how much money you need to pay for a metal printer? Do you have any idea? It will be in crores, and you will be needing a specified powder, atomized powder, to be used on that metal printer. So that is a costly affair. On the other hand, if we are using these MIG welding power sources, so if you are using a conventional MIG, a manual, if you are using a manual method to do this deposition, so you will be taking the welding torch in your hand and you will be depositing. What will be the what will be your limitations when you are doing manual welding? When that arc will happen, your hand will shiver, because that is the source of energy, so much light, so hand will shiver, and your accuracy will not be that good. So that part we have removed by using the robots, robotic arm. Okay. Same thing, then you will deposit layers, layer by layer, then you will study how good fusion is happening, and the cost of these. If I tell you, cost of this is, it is under 1 crore. All these facilities